साथियों, करीब दो दशक से मैं सीएम और पीएम के रूप में काम कर रहा हूं। मैं इन महान मिलावट वालों को खुली चुनौती देता हूं और ये मेरी खुली चुनौती है, इनमें हिम्मत हो गाली गलौज करने के बजाय मेरी इस चुनौती को स्वीकार करके मैदान में आओ। मैं इन महामिलावटियों को खुली चुनौती देता हूं, ये लोग दिखा दें कि मैंने कोई बेनामी संपत्ति जमा की है क्या, कोई फार्म हाउस बनाया है क्या, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है क्या, विदेशी बैंकों में पैसे जमा करवाए हैं क्या, विदेश में कोई संपत्ति खरीदी है क्या, लाखों करोड़ों की गाड़ियां भी क्या मोदी ने ली है क्या, करोड़ों के बंगले मोदी ने बनाए हैं क्या। भाइयों और बहनों, न मैंने कभी अमीरी के सपने देखे हैं, न तो मैंने कभी गरीबी गरीब के पैसे लूटने का कोई पाप किया है। हमारे लिए गरीब का कल्याण और मातृभूमि का सम्मान, उसकी रक्षा, ये हमारी जिंदगी से भी सर्वोपरि है। यही कारण है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों की सारी हेकड़ी आज हवा हो गई है। जो आतंकी पाकिस्तान में खुलकर हथियारों की नुमाइश करते थे, वो आज जमीन के नीचे छुपकर मोदी को हटाने की दुआ कर रहे हैं। कभी वो जंगलों को देखते हैं, कभी आसमान को, कभी समंदर को, बेचैन रहते हैं, नींद हराम हो गई है, उनको लगता है कब कहां से भारत के सपूत आ धमकेंगे।